नमस्ते। हमने अभी हाल ही में एक कहानी सुनी थी। वो ये है कि एक राजा थे जिनका जन्मदिन आ रहा था, तो उनकी रानी की बहुत इच्छा थी कि उनके जन्मदिन पर उन्हें केवल दूध से ही नहलाया जाए। वह तो उन्हें दूध की बहुत ज़रूरत थी। अब राजा ने अपने देश के सभी लोगों से ये कहलवा भेजा कि सभी कोई एक एक घड़ा या एक एक लोटा दूध लाकर दे। वो भी कहाँ, उनके राजमहल के बाहर एक बड़ा सा मटका या बड़ा सा एक बर्तन रखा गया है जिस पर सब कोई लाकर डालते जाएं। अब राजा का कहना है और राजा का आर्डर, कोई मना नहीं कर सकता। उसी राजा के देश में एक परिवार था, एक कुटुंब था जो पति और पत्नी दोनों ही बहुत कंजूस थे। पति ने सोचा और पत्नी ने कहा कि कैसे भी सब कोई दूध डालते ही जाएंगे, क्यों ना हम लोग ले जाकर एक लोटा पानी डाल दें, किसे मालूम चलेगा कि हमने पानी डाला है या दूध डाला है या किसने डाला है। खैर, ये हो गया। अब वो लोग ले जाकर पानी उल्डेल कर आ गए। इस प्रकार वह बर्तन भरा और जब उन्हें नहाने के समय उस बर्तन को खोला गया तो उस पर दूध नहीं था, केवल पानी ही पानी था। अब सोचिए कि क्या कारण। राजा का जन्मदिन था, राजा को पहले योगदान देना था। उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। उसके बदले उन्होंने बाकी लोगों से कहा कि वो लोग ये करें जो गलत था। इसी प्रकार क्या है कि वो राजा भी कंजूस था। इसका तात्पर्य यही है। अब आगे एक और कहानी है कि एक इंसान कहीं जा रहा था तो उसे एक पेड़ पर एक पर्चा टंगा हुआ दिखा। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। उस पर्चे पर लिखा था कि मैं एक बहुत गरीब विधवा अधेड़ उम्र की महिला हूँ, मेरा 50 रुपये यहीं कहीं खो गया है, जिस किसी भी व्यक्ति को वो मिले कृपया मुझ तक पहुंचा दे, क्योंकि वही मेरी आमदनी है जो कुछ दिन तक मैं चला सकती हूँ। अब जो लोग भी उसे पढ़े, जो भी करे, लेकिन जब ये इंसान ने पढ़ा तो उसे बहुत दुख लगा। उस बुढ़िया पर उसे दया आ गई। वह ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँचा। उसने देखा कि वो झोपड़ी बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, शायद एक बरसात भी ना सह सके, इस स्थिति में था। उसने उस बुढ़िया को देखा, वह उठकर आई। इन्होंने 50 रुपये उन्हें दिया और कहा कि ये मुझे मिला था। बहुत ही दयनीय अवस्था में बहुत ही सुंदर ढंग से उसने कहा कि कृपया जो भी उस पर्चे को उस पेड़ पर टांगा है उसे निकाल देना, क्योंकि मैंने वो पर्चा नहीं टांगा है। हालांकि मैं भूखी हूँ, मैं बहुत ही जर्जर अवस्था में हूँ, मेरी झोपड़ी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पर्चे को पढ़ने के पश्चात अब तक कुछ दर्जन लोग आकर मुझे पैसे देकर गए हैं, बस मेरे लिए वो काफ़ी है, मैं और नहीं चाहती। जितने लोग दिए हैं वो मेरे लिए बहुत दिन के लिए काफ़ी है, इसीलिए मैं तुमसे एक अनुरोध करती हूँ कि जाने के समय वह पर्चा वहाँ से निकाल देना, ताकि फिर और भी कोई ना आए। उस इंसान ने कहा ठीक है और वह गए। उस पेड़ के पास खड़ा हुआ, लेकिन उसको बिल्कुल भी उस पर्चे को निकालने की इच्छा नहीं हुई। वह थोड़ा देर खड़ा रहा। इतने में वहाँ एक और इंसान आया। उसने कहा, देखो भाई, मुझे यहीं कहीं 50 रुपये मिला है, शायद ये इस पर्चे में जो लिखा हुआ है उसी का है, क्यों ना इसे मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, तुम मुझे उस जगह का पता दे दो। तो वह इंसान ने पूछा, पहला इंसान जो था उसने पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हें ये पैसा नीचे गिरा हुआ मिला? तो दूसरा व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वहीं यहीं कहीं मिला। सोचिए, जिसे
मदद करने की इच्छा होती है, जो मदद करना चाहता है वो कैसे भी मदद करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई अनुरोध करे, कोई कहे। बस वो एक पर्चा काफ़ी था लोगों के लिए जिन्होंने जाकर उसकी मदद की, और वे खुद ही जाकर उसकी मदद की। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, शायद आप लोग समझे होंगे। लोग चाहते हैं कि बाबा जी का संदेश हम तक पहुँचे, बाबा जी का मैसेज पहुँचे, लेकिन बाबा जी के मैसेज पहुँचने के बाद क्या वो लोग उसे पालन करते हैं, हमें नहीं लगता। क्योंकि हम लोगों ने डाला था कि बाबा जी का एक संदेश है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाना दो या लोगों की सहायता करो। हम लोगों ने इसे इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाया, आप लोगों तक पहुंचाया। हम लोग के इस वीडियो में, हम लोग के इस ग्रुप में करीब 320 मेंबर्स और ना जाने कितने व्यूज़ मिले, लेकिन कितने लोग इसका पालन किए। अरे आप ढूंढो, आपके घर में कहीं कोने में ज़रूर पैसा रहेगा, कहीं कोने में आप कुछ पैसा ज़रूर रखे रहते हैं, उसे निकालिए, उन गरीबों तक पहुँचाइए। खाना देना ठीक है, लेकिन खाना केवल वो एक दिन खा सकते हैं, एक बार खा सकते हैं, एक लोग खा सकते हैं, लेकिन आप पूरे परिवार को कुछ दिन के लिए खाना हो तो आप उन्हें एक राशन पानी दीजिए। हमारे ग्रुप में कुछ मुट्ठी भर लोग ज़रूर इसे पालन किए हैं, उनके लिए हम उनका आदर करते हैं। हमें खुशी है कि बाबा जी का दिया हुआ संदेश उन्होंने पालन किया, लेकिन कुछ लोग तो उसे देख कर भी अनदेखा कर दिए, और ना जाने कुछ लोग चाहे देखना भी नहीं चाहे। और व्हाट्सएप में तो वैसे काफ़ी मैसेज आते हैं, और फॉरवर्ड मैसेज जो लोग फॉरवर्ड करते जाते हैं, लोग भेजते जाते हैं, ना जाने कितने मैसेज, कितने लोग ये कहते हैं, कितनी सोसाइटी है, कितनी चैरिटी हैं जो मदद कर रही हैं, उन्होंने फलाने को खाना दिया, इन्होंने फलाने को खाना दिया, इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आपने क्या किया? क्या आप कभी ये सोचे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने मदद की, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि बाएं हाथ से किया हुआ दाएं हाथ को नहीं मालूम चलना चाहिए, या दाएं हाथ का किया हुआ बाएं हाथ को नहीं मालूम चलना चाहिए। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाना पड़ता है। आपका प्यार, आपका, आपकी जो मदद है वो आप दूसरों को दिखाएंगे। माता पिता का प्यार है, पत्नी का प्यार है, या फिर बेटी का प्यार है, बेटा बेटी का प्यार है, या बहन भाई का प्यार है, वो आप केवल प्यार अपने मन में रखेंगे तो नहीं होगा, उसे दिखाना पड़ता है। आप चैरिटी कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप दिखाइए। आप दिखाएंगे तभी कुछ लोग उसे देखकर कम से कम सीखेंगे, और वे लोग भी आगे आएंगे। कुछ लोगों को जन्म से ही आदत रहती है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। इसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। खुशी होती है कि हमारी बेटी, एक दिन की बात थी जब हम लोग बाहर थे, हम लोग कुछ देख रहे थे, अचानक एक बहुत से अधेड़ उम्र का एक इंसान या अधेड़ उम्र का एक बूढ़ा आकर भीख मांग रहा था, मतलब भीख मांग रहे थे वो, कुछ मांग रहे थे खाने के लिए, उन्हें भूख लग रही थी शायद, तो वे आकर सामने खड़े हुए। हमने उन्हें देखा, ठीक है, हम अपना पर्स निकाले और उसमें हाथ डाल ही रहे थे कि हमारी बेटी को अचानक उसमें 500 रुपये दिख गया, वो निकाली और दे दी। हमें थोड़ा आश्चर्य लगा कि 500 रुपये, लेकिन फिर ऐसा लगा नहीं, इसने जो कहा बिल्कुल ठीक किया, उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। खुशी होती है, देने का मन होना चाहिए। पैसा बड़ी बात नहीं है, मन बड़ी बात है, चाह बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं लोगों की मदद करना, अपने आप आपके पास आएगा। दरअसल कर्ण को दानवीर कहा जाता है, लेकिन एक बात है जो कभी भी उन्होंने अन्नदान नहीं किया था, और शायद इसीलिए ऊपर जाने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं मिला। तब उन्होंने पूछा, तब देवता लोगों ने कहा कि तुमने अन्नदान नहीं किया है, और उन्होंने उन्हें वापस भेजा। वापस वो कब आए? जो पितृपक्ष कहा जाता है, महालया अमावस के पहले।
जो पितृ पक्ष आता है 15 दिन, उस पितृ पक्ष में पूरे 15 दिन कर्ण ने केवल अन्नदान किया और फिर स्वर्ग को चले गए। तो अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान है। इन सब बातों से बस हम इतना कहना चाहते हैं कि लोगों को राशन दीजिए ताकि वो उसे ले जाकर कुछ दिन तक अपने परिवार के साथ खा सकता है। भूख जो है सबसे दयनीय अवस्था है इंसान की, और जो इसे जानता है वही समझता है, वही उसे महसूस करता है, वही उसके दर्द को जान सकता है। हाँ, कुछ होता है जो बिना इसके महसूस किए ही वो लोगों को अन्नदान करता है, परंतु अन्नदान के लिए अगर वो महसूस करे तो बहुत बड़ी बात है। हमारे उस वीडियो में, हमारे इस व्हाट्सएप के वीडियो में, ग्रुप में, हम लोग बस यही डालना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि मैसेज को केवल फॉरवर्ड मत कीजिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये मैसेज, या फिर फलाना ने ये कहा, फलाना ने वो कहा, उस महान व्यक्ति ने ये कहा, ठीक है, अच्छा लगता है पढ़कर, लेकिन आपने क्या किया, आप कौन हैं? अब हम आध्यात्मिक का नहीं हम पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ कि तुम उसे पहचानो, नहीं, ये भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ज़रूरी है कि लोगों की सहायता करें और रहें। हमारे पास कुछ है तो उसका कुछ भाग तो हम दे सकते हैं ना, ये तो नहीं कि पूरा का पूरा हम ही खाएं। हमारे सामने कोई भूखा है और हम खा रहे हैं तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। कोई भी जो गुरु हैं, हमारे पितृ हैं, पितृ लोग जो हैं, कहा जाता है ना कि पिंडदान करना चाहिए, पितरों को खुश रखना चाहिए। पितृ कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, लोग कहते हैं कौवे के रूप में आते हैं या और भी, हम लोगों ने उन्हें जिस रूप में भेजा है वो जिस कपड़े में गए हैं वो उसी स्थिति में रहते हैं। अगर आप देखोगे तो अचानक आपके सामने कोई गरीब खड़ा रहता है, हो सकता है वो आपके कोई गुरु हो, आपके कोई पितृ हो, हम ऐसा सोच सकते हैं ना, और उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। हमने केवल आप लोगों से ये अनुरोध किया था, बाबा जी ने ये नहीं कहा था कि आप 50-60 लोगों को दो, इतने लोगों को दो, उतने लोगों को दो, नहीं, आपसे जितना हो सकता है कम से कम आप एक को तो दे सकते हैं ना, एक परिवार का, एक महीने का या कम से कम 15 दिन का राशन तो आप दे सकते हैं ना, आपके पास इतना तो है ना, कितनी खुशी होगी उनको, और आपको जानकर अच्छा लगेगा हमारे ग्रुप से, और जो ग्रुप में नहीं है वो भी हमारे वीडियो को देखकर, बहुत लोगों ने बहुत से योगदान दिए। कई लोगों ने ये ज़रूर कहा कि हम पहले ही दे चुके हैं, हमने ये दिया, हमने उन्हें एक दिन का खाना दिया वगैरह वगैरह। हमने पहले ही इस वीडियो में कहा था आपको, एक वीडियो में, कि ये सब हम नहीं सुनना चाहते, ये सब केवल बहाना है। ठीक है आपने दिया है, लेकिन आज बाबा जी का मैसेज है कि आप एक परिवार को एक राशन दो जो वो कुछ दिन तक रखकर खा सकता है, तो बस आपको वो करना था। बहुत लोगों ने योगदान दिया और बहुत सारे अमाउंट के रूप में, उसके अलावा कई लोग, कई फैमिली को योगदान दिए जो हम लोग यहाँ पर डाले हैं, हम यहाँ डाल रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। 37 पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड इन कैश, ऑफ विच वी हैव यूज्ड 9,250 रुपीस गिवन एज गुरु दक्षिणा ड्यूरिंग द रीसेंट केव टूर, माई सेल्फ एंड माई फैमिली 85,500 रुपीस, डॉक्टर जयेश फ्रॉम USA फिनिक्स 38,240, Sujata Salvi from USA, she has paid 15,200, Ashwani Kumar Sethi from Dubai and Mumbai 11,000 rupees, 10,000 rupees from Ushana Paya and 10,000 rupees from Aruna Doluri and family from USA, P. Sridhar given 5,000 rupees and again from UK, Vital Giboza also has paid 5,000 rupees. These are the major amounts we have received. In all together, 37 people have contributed 2,31,000. We have made a donation of 25,000 rupees
to the Prime Minister Relief Fund on Coronavirus, 10,000 rupees to the Karnataka Chief Minister's Fund for the similar purpose. William, one poor family who works with Babaji Sannidhan, has been sent on 2 months leave, but his salary has been paid. In addition to his salary, what we pay, we have paid some extra amount to tide over his expenditure because his son is not working, his daughter is not working. Taking this into consideration, we have paid for 2 months 9,000 rupees. A servant lady who comes near our house, she has been paid 4,500 rupees. There were two cooks who were serving us during two of our cave tours to Babaji. Both of them we have paid 2,500 rupees. The recent tour driver Anirudh and Kishan Singh, who was taken care of our well-being as a tour guide during the 2019 tour, called us. Both of these persons were virtually crying. We made an appeal to the members of our group and we requested them to send the money directly to them. Those money has been taken as a receipt and shown as an expenditure. So both of them got 10,000 rupees each. These are the cash distribution we have made. In addition to that one, we have purchased 158 bundles of food grains, which helps 158 families. Apart from this, we have been paying 100 rupees per each of the bag we are giving to the poor family. These are the expenditure. All expenditure put together, it comes to little more than what we have collected. Now the expenditure, still it is going on, because one poor person goes and tells the other poor person. As a result, today also we have purchased 10 bags for 10,000 rupees. Those expenditure has not come in this, because now we have started bearing all those expenditure from our family only. All the money received has been spent and we do not have any balance. Apart from this, 48 members from outside, as per the request of the YouTube, 48 members have contributed from their end only to almost 237 families. Food grains have been distributed by these 48 members. So altogether, almost we have helped 400 families, and in about 10 to 15 days, maybe another 100 members may come. We have already purchased 10 bags of food grain today, which is not accounted here. Still more requests are being pouring in. When people come near our gate and cry, having known that we have given food grains, they say we have not received anything. The poor condition, without proper dress, proper cleansing, proper no oiling to their head, etc. Looking at them, we feel very disturbed. So we have been getting message from Babaji to somehow help. So we have decided to spend from our own pocket as far as possible. This is what the status has of today. Out of this 237 families being helped, I will have to record here few persons. Sri V.K. Basi is 80-year-old person from Panchila enclave in New Delhi. He was very active. Sri Basi called me after seeing one of the videos in which distress remedies were prescribed. Ever since he came in contact with me, he was showing lot of interest in helping the people. In every step he used to call me and used to say how he is going ahead in arranging financial support, distribution of food grains, distributed masks, gloves, etc. for the street cleaning staff. And he also, besides this, based on my prescription, he purchased himself many medicines in homeopathy shop and has made packets and distributed to various families. So the services of Sri V.K. Basi, who is already 80 plus years from Delhi, it is very commendable. Another of our friend, Sri Gangadhar Upin, is a senior person in a corporate company. He is one of our YouTube viewer. Besides this,
He is our long associate friend as well as he is a member of one of the prestigious group. He had also visited with us to Babaji cave. When he went and announced in his company, all the staff members voluntarily came and helped with their contribution. And with the efforts of Gangadhar Uppin and his son Karan Uppin, 65 families have been helped. Sri Manohar Ganapatrao Chalpe from Nagpur has helped a group of Kinnar family in Nagpur. Sri K. Sudarshan from Bangalore has helped 16 families and a spiritual soul, a senior citizen who had come from Varanasi, was stranded in Bangalore. He has searched and he got news and he sent his special representatives to go there and help them. Shri Ashwani Kumar Sethi, Shri Ushan Appaya, Shrimati Aruna Devuluri and family, all these people have helped 10,000 each of them. With their contribution, at least 30 families have been helped. Thank you. बस हम इतना कहना चाहते हैं आप लोगों से कि भूख जो है वो बहुत दयनीय अवस्था होती है. जो भूखा है उसकी भूख को महसूस कीजिए, उसकी दर्द को महसूस कीजिए. बस हम यही जानना चाहते हैं, केवल यही बोलना चाहते हैं. केवल व्हाट्सएप मैसेज डालना बड़ी बात नहीं है, मैसेज को डालकर चुप रहना बड़ी बात नहीं है. आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, उसे डालिए. नमस्ते. ओम सद्गुरु बाबा जी नमः.